नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे एजुकेशनल टॉयज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगी। एजुकेशनल टॉयज बच्चों के मानसिक विकास और कुशाग्र बुद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। एजुकेशनल टॉयज ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, उन्हें अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल किया जाए, इस वीडियो में मैं आपसे बताऊँगी। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आज का युग कंपटीशन का युग है और आपके बच्चे उन्हीं में से एक हैं, तो अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए एजुकेशनल टॉयज की लर्निंग बहुत ही जरूरी है। और आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डेली रूटीन में कम से कम एक घंटा अपने बच्चों के लिए जरूर निकालें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशनल टॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने यहाँ एक कबर्ड का यूज़ किया है। इस कबर्ड को मैंने डे वाइज कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहले ड्रॉअर में मैंने मंडे और थर्सडे की एक्टिविटी रिलेटेड चीज़ें रखी है। तो इस ड्रॉअर में मैंने सीजर एक्टिविटी, सैंड प्ले एक्टिविटी और कुछ फन गेम्स और कुछ बुक्स रखे हैं। तो ये पहली बुक इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स है, दूसरी हिस्टोरिकल बुक्स और किस रिलेटेड इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं। इसके साथ ही यस, व्हाट डू यू लाइक टू ईट? आई लाइक टू ईट ब्रेड। व्हाट डू यू लाइक टू ईट? आई लाइक टू ईट ब्रेड। या वेरी गुड। इसके साथ ही मैंने यहाँ सीजर एक्टिविटी भी रखी है, जो बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ कुछ पजल्स गेम रखे हैं। पजल्स गेम तो एक फन थिंकर गेम है। इस फन थिंकर गेम में ABC मैचिंग एक्टिविटी और लेटर मैचिंग एक्टिविटी होती है, जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। Started in the 470s when rule by the Romans came to an end. You understand? And finished in the 1450s. Indian Ocean. In much larger areas. Yeah? See? Really? Yeah? You like it? सेकेंड ड्रॉअर ट्यूजडे और फ्राइडे के लिए मैंने कैटेगराइज किया है। ट्यूजडे फ्राइडे ड्रॉअर में मैं अल्फाबेटिकल काउंटिंग बुक्स, फाइन मोटर एक्टिविटी और क्राफ्ट बॉक्स रिलेटेड एक्टिविटीज रखती हूँ। इस बॉक्स में मैंने ट्रेडिंग और लेसिंग के लिए रखा है और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ स्टिकर्स भी रखे हैं और क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें भी रखी हैं और ये ABC लेटर्स हैं। और इसके साथ ही मैंने सेंसरी एक्टिविटी रिलेटेड चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की हैं। तो बच्चों के फाइन मोटर एक्टिविटी बहुत टूडलर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में फाइन मोटर एक्टिविटीज़ फॉर टूडलर की वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों की लर्निंग की क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसके साथ ही इनका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स इंट्रोड्यूस की हैं और इस बुक्स में स्टोरी रिलेटेड बुक्स हैं और इसके साथ ही काउंटिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, राइटिंग बुक्स रखी हैं मैंने। तो इस तरह की बुक्स आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ होती हैं और इस तरह की ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगा रहता है और बच्चों के लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और ये वाइपेबल बुक्स हैं, आप एक बार लिखने के बाद उसे आप हैंड से रब भी कर सकते हैं। और दिस टाइप ऑफ फन एक्टिविटी बॉक्स के साथ स्टिकर एक्टिविटी भी होती है, तो इससे बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है और अपने आसपास के रिलेटेड चीज़ों को भी ज्वाइन करने लगते हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक्स होती हैं।
यास्मी ईट्स यमी येलो योगर्ट. यास्मी हु ईट्स येलो योगर्ट? यास्मी. यस. तीसरा जो आप वेडनेसडे ड्रॉर है, इसमें मैंने पेंटिंग क्लेज और फन गेम्स रखे हैं, और इस बॉक्स में मैंने पेंटिंग रिलेटेड आइटम्स और कलर्स रखे हैं, और इसके साथ ही इस बॉक्स में मैंने कुछ कॉटन बड्स रखे हैं जो पोस्टिंग बॉक्स में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं. और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में फन गेम आइडियाज़ फॉर टूडलर्स चेक कर सकते हैं. और मेरी बेटी को पेंटिंग करना बहुत पसंद है. सी लव्स टू पेंट एंड दिस वन इज़ फॉर फाइन मोटर एक्टिविटी. और इसके साथ ही इनके कलर मैचिंग स्किल्स भी डेवलप होती है. आप इससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. अब लास्ट वन ड्रॉल इज़ फॉर संडे ड्रॉल. इस संडे ड्रॉल में मैंने म्यूजिकल बुक्स और कुछ फन गेम्स रखे हैं. तो दिस वन इज म्यूजिकल बुक्स. इसमें किस रिलेटेड सॉन्ग है इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं. और दूसरा ये पिराना गेम, ये दिस वन इज फन गेम. हम सभी फैमिली एक साथ बैठकर खेलते हैं, और इसे फैमिली के बीच कनेक्शन बॉन्ड भी होता है. लास्ट वन इज़ रेस्टिंग ट्रेनिंग गेम, जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और कलर शेप पर जानने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है. चोर की लिस्ट चिपका दी है. इसमें बच्चे कौन सा घर का काम कर सकते हैं वो रिलेटेड लिस्ट में है. और ये कलर मैचिंग बॉक्स है. इसके साथ ही मैंने यहाँ पर पोस्टिंग बॉक्स भी रखे हैं. तो दिस ड्रॉर इज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़ गेम. और दिस वन इज़ पजल गेम. पजल गेम एक्चुअली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स गेम है. इसके साथ ही एक बुक्स भी आती है. इस बुक्स से रिलेटेड इमेज को देख के बच्चे इमेज क्रिएट करते हैं, जिससे इनकी इमेजिनेटिव पावर काफ़ी बढ़ती है. तो दिस काइंड ऑफ गेम्स आर रियली हेल्पफुल फॉर योर टोटलर ब्रेन डेवलपमेंट. और दिस वन इज कलर मैचिंग बॉक्स. कलर मैचिंग बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कलरफुल बॉल्स और कुछ पॉपसिकल स्टिक्स का यूज़ किया है, जिससे बच्चों को कलर रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.